संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ, संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ, हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ, हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। आपको पता नहीं होगा कि दिनेश जी, योगी जी और हम साथ में पढ़ाई करते हैं, कभी कभी मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कभी मैंने पूछा योगी जी के साथ, योगी जी बताइए ये फॉर्मूला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो योगी जी कहते हैं जो लाइफ में एक्स हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं इसी के साथ मैंने कहा कि ठीक है मैथ्स नहीं तो दिनेश जी आप इंग्लिश में मुझे बता दीजिए, इंग्लिश में को सीखना है, थोड़ा अमेरिका में इंग्लिश बड़े काम आते हैं। तो मैंने पूछा दिनेश जी आप एक खूबसूरत लड़की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो दिनेश जी ने सोचा वो क्या, मैंने कहा दिनेश जी इंग्लिश में अच्छी सुंदर लड़की को क्या बोलते हैं? तो कहते हैं दिनेश जी कि इंग्लिश में सुंदर लड़की को बोलते हैं आई लव यू। मैं तो कहने वाला था अर्चना बोलते हैं उसे। मैंने उसे भी अच्छा बोल दिया आपको, जो आपको हर एक बार काम आएगा, हर बार काम आएगा, कभी एक बार की बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया। तो योगी साहब से मेरी मैंने बात की, मैथ्स चलो पढ़ते हैं हम, आप इतना स्ट्रॉन्ग है मैथ्स में। तो मुझे योगी योगेंद्र जी सिखा रहे थे मैथ्स में, देखो सोचो तुम $1,000 ठीक है, $1,000 मैंने दिनेश जी को दिया और उसमें 10% ब्याज लगता है, तो एक साल में दिनेश जी मुझे कितना वापस करेंगे? तो मैंने कहा योगी जी आपको कुछ भी वापस नहीं करेंगे। तो योगी जी कहते हैं कि क्यों दिनेश जी मैथ्स नहीं जानते? मैंने कहा आप दिनेश जी को नहीं जानते। दिनेश जी ये तो बहुत गलत हो रहा है। दिनेश जी बहुत गलत हो रहा है ये। नहीं नहीं उन देने भी नहीं है जो लिए हुए थे इनसे, $1,000 गए अब उनके वो। तो मैं जब योगी जी की बात कर रही हूँ तो वीना जी पीछे क्यों रहे? तो वीना जी बड़ा सवर के आई, बड़ा रेडी होके आई, बोलते हैं योगी जी मैं ना 3 घंटे के लिए बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? तो योगी जी कहते हैं अभी के लिए इतना ही काफी है। तो अब चलते हैं कि हम लोग जब फोन करते हैं इंडिया तो किसी कोई ऐसे हमारे तरफ फोन कर रहे थे कि हमारी फ्रेंड हमारी सब अपने अपनी लाइफ शो करते हैं ना अमेरिका के, हमने कितना पाया कितना खोया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक की कोई फोन कर रहा था, वो कहते हैं कि अच्छा बताओ बताओ तुमने क्या खाया आज? तो वहां से आवाज आई कि हमने खाया सरसों का साग। और तुमने क्या खाया? अभी बंदा क्या बोला, अमेरिका का बंदा कहता है हमने खाया परसों का साग। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। आप सबके साथ इतना अच्छा लग रहा, अपनापन है, बहुत आशीर्वाद मिलता है हमेशा, तब कहती हूँ आपके साथ मेरा गीत गाना अलग मायने रखता है पूरे संसार में। अमेरिका में 26 सिटीज में मैंने शो किए हैं, लेकिन वो एक ऑडियंस होती है, ये मेरा परिवार है, और परिवार से जब प्रेम मिलता है वो अपना अलग अस्तित्व रखता है। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ, संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ, हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, जीत लिया, दिल जीत लिया। प्यार कुछ खट्टा कभी मीठा कभी खारा कभी हो, तो प्यार कितने फ्लेवर्स में रूप में रंग में आता है। तो किसी एक लड़की के भाई के एक प्रेम प्रियतमा थी, हमेशा मिलने आती थी। तो वो कहती है उससे, उसकी बहन कहती है तुम मेरे भाई से मिलने रोज क्यों आती हो? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ ना। क्यों 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 तुम मेरे भाई से प्यार क्यों करती हो? तुम्हारा अपना भाई नहीं है क्या? ऐसी होती है प्यार कुछ खट्टा कभी मीठा कभी खारा कभी हो, छेड़ कर नाराज कर, छेड़ कर नाराज कर तुमको मनाना चाहती हूँ, छेड़ कर नाराज कर तुमको मनाना चाहती हूँ, देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का। उम्र के जिस दलील पर आप हैं आप ये मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी कहना मैं चाहती हूँ एक कवि के रूप में कि जो जो द लव विच इज फिजिकल विच इज बॉडी इट्स ट्रांजिएंट इट्स क्षण भंगुर है, लेकिन जो देह जो नेह प्यार का होता है हृदय का वो हमेशा इटर्नल होता है। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का,
नेह का मैं नाद अनहद गुनगुनाना चाहती हूँ, नेह का मैं नाद अनहद गुनगुनाना चाहती हूँ। लो संभालो नाव अपनी तुम जरा पतवार थामो। प्रेम में हर एक की अपनी भूमिका होती है, कोई हंसता है, कोई हंसाता है, कोई खिलखिलाता है, तो आप क्या करो और मैं क्या करूँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम बहें प्यार में, प्रवाह में, बह फ्लो में, वो कहते हैं लो संभालो नाव अपनी तुम जरा पतवार थामो, और मैं क्या करूंगी, मैं नदी के धार के संग खिलखिलाना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत मैं अच्छे। नदी के धार के संग खिलखिलाना चाहती हूँ। जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन, कहते हैं एक ऐसा जगह होता है क्षितिज कहते हैं होराइजन, जहाँ आसमान धरती से मिलता है, वहां संबंध होता है, प्रेम होता है। लेकिन आप सब जानते हैं साइंस सेज कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, प्रेम, मोहब्बत, जज्बात, क्या वाकई होता है? होराइजन के समान लगता है वो क्षितिज, कहीं मिल रहा है धरती आकाश से, लेकिन होता एक्चुअल में साइंटिफिकली नहीं है। तब कहती हूँ जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन, उस क्षितिज तक संग तुम्हारे मीत जाना चाहती हूँ। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ, हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जा। बात हंसी की हो रही है, मैं कविता में चली गई क्योंकि मैंने कविता सुनी तो मेरा कवि हृदय बिल्कुल नाद कर उठा। लेकिन मैं बताती हूँ आपको एक बात कि हुआ कुछ यूं कि बलजीत जी इंडिया गई और उनको बस में सफर करने का मौका मिला, तो वो तो बड़ी, मैंने वो ना नारी शक्तिकरण पे बड़ा स्ट्रांग है, तो उन्होंने देखा कि जहां लिखा हुआ है महिला ओनली वहां पे एक जेंटलमैन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनसे दावा किया चलिए उठिए आप, यहां लिखा है महिलाओं के लिए तो आप कैसे बैठे हैं? तो उन्होंने कहा बलजीत जी से कि आप महिला कहाँ हैं, आप तो हमें लड़की लगती हैं, तो इसीलिए हमने आपको स्पेस नहीं दिया। और सच बताइए बलजीत जी पूरे रास्ते बैठे ही नहीं, बिल्कुल एकदम आप बैठिए सर, आप बिल्कुल वहीं बैठिए। तो ये बात होती है। और उसके बाद हम चलते हैं पति पत्नी की, जहाँ बात आती है तो मैं बता रही, योगी साहब एक बार टीवी देख रहे थे और वीना जी भी टीवी देख रही थी, तो दोनों में आपस में लड़के, योगी जी बोले मेरे को चैनल दो, मेरे को रिमोट दो, वीना जी बोली मैं देख रही हूँ, तुम क्यों लोगे, मेरे को देखने दो। योगी जी ने कहा चैनल चेंज करो, रिमोट दो। तो कहती है वीना जी क्यों, कहते मैं देख लूंगा। कहती है वीना जी का क्या देख लोगे, तो अल्टीमेटली योगी जी ने कहा वही चैनल देखूंगा जो तुम देख रही हो। तो ये बात हो रही है। लेकिन जहाँ हंसी की बात होती है, मैंने आपसे कहा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है, क्योंकि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इसी बात पर मैं कहती हूँ कि विदेश में, अमेरिका में आने के बाद हमने कैसा जीवन देखा, उस पर एक हास्य व्यंग की कविता मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं मोस्टली श्रृंगार प्रेम लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हास्य का अच्छा लगता है तब जब वो हमारे समाज को, साहित्य को कुछ सच बताए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं, परिवार बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी शादी की। उस पर लिखती हूँ कविता मैट्रिमोनी। तो आनंद उठाइए। एक दिन अकस्मात हो गई दास जी से मुलाकात। मैंने कहा कैसे हैं सर, उन्होंने कहा क्या सुनाए खबर। जैसे आंखों के सामने से पर्दे हट गए। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको अंतिम छोर यही आपके लिए दुआ करूंगी कि अर्चना है यही कि भारतीय चेतना आपके करों में हो, माने आपके हाथ में और आपके सर में, है ना, दिमाग में भी हो और आपके एक्शन में भी हो, कि जो हम धरोहर अपनी संस्कृति लेके आए हैं उसका पालन करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको सिखाएं नेक्स्ट जन को। अर्चना है यही कि भारतीय चेतना आपके करों में हो और आपकी या आपके बच्चों की शादी अच्छे घरों में हो। सूरज को चांद चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन ये कि वाकई तुमने कमाल कर दिया, नया रंग लेके आती है। तो गागर में सागर भर के रख दिया।
कि कविता हर दफे एक नया रंग लेके आती है। अर्चना तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हें अपना फ्यूचर हमारे अंदर नजर आ रहा है उसका पता नहीं, लेकिन हमारा प्लेजेंट प्लेजेंट बहुत ही प्लेजेंट है तुम्हारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले कि मैं आपको आदिवस प्रणाम नमस्कार कहूँ, कुछ छोटे छोटे मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे कविता बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम है आपके साथ आई हूँ। तो बस ये कहना चाहूंगी हमेशा कि टूटा चावल देव कभी स्वीकार नहीं करते, टूटा दर्पण देख कभी श्रृंगार नहीं करते, जिसको भी दिल देना तुम पूरा पूरा देना, आधे मन से कभी किसी से प्यार नहीं करते। आधे मन से तुमसे प्यार नहीं किया, मुझे यही प्यार किया। बहुत सुंदर बेटी, जीते रहो। अर्चना देख रही हो मुझे, हमने पूरे मन से तुम्हें प्यार किया है और करते रहेंगे और हमेशा तुम्हारे तुम्हें दुआएं देते रहेंगे हम। आशीर्वाद बटोर लो, बटोर लो सब। कैन यू सी मी? यस सुलभा जी, बिल्कुल बिल्कुल सुलभा जी, मेरी तरफ देखो। मैं ज्यादा देखती हूँ कि आप सब ने अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया और उसके बाद आप इस वक्त अपने जीवन को ऐसी दिशा, ऐसी दशा दे रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसको, विच इज इंस्पिरेशनल। बस आपको देख के मुझे कहने का मन करता है कि संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड समथिंग अ लाइफ स्पेशली, संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते, फिर अक्षर को शब्द, शब्द को स्वर बनते बनते, महल रेत के हंसते हंसते कहते हैं मुझसे, उम्र बीत जाती है घर को घर बनते बनते, घर को घर बनते बनते। बस कभी कभी कुछ भावनाएं मन में रह जाती हैं जो मैं कविता के माध्यम से कहती हूँ। तो अच्छा मैं पुष्पा जी, जीते रहो, लंबी उम्र हो, और जी तो कर रहा है खग लेने के लिए, लेकिन नहीं ले सकते, पता नहीं कब आएगा वो दिन, धनी है आपके माता पिता और आप भी। अर्चना मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जी सुभाषिनी जी कहिए। हेलो अर्चना, मैंने जनवरी फरवरी मार्च तुम्हारे सारे प्रोग्राम धूम मचाने के देखे, 12 साल से देख रही हूँ, और 12 साल में तुमने जरा सा एक इंच भी फर्क नहीं आया, कैसे क्या खाती हो? मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, पता है दिनेश जी और आशा जी बात कर रहे थे, तो आशा जी ने कहा देखो ना सामने वाले घर में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतनी देर से बाशोर मचा रहे हैं, जाके कुछ बताते नहीं कि तुम जाते क्यों नहीं? दिनेश जी ने कहा मैं गया था तभी तो लड़ रहे हैं। दिनेश भाई आप कितने ज्यादा आपके बारे में, मेरी रेपुटेशन सब जगह पहुंची हुई है। दिनेश जी बता दिया आपको, दिनेश जी को किसी ने पूछा कि दिनेश जी, दिनेश भाई ये क्या हो रहा है, आप इतना कुछ करते हैं अभी, लेकिन आप शादी के पहले क्या करते थे? काम मैंने पूछा काम क्या करते थे, तो दिनेश जी कहते, उनको पूछा दिनेश जी आप शादी के पहले क्या करते थे, तो बड़े दुखी होकर दिनेश जी बोले जो मेरा मन करता था। अच्छा मैं और एक बात बता दूं, योगी जी ने अपने बेटे को लिखा, योगी जी ने नया नया व्हाट्सएप शुरू किया, योगी जी ने अपना नया नया इंस्टॉल किया व्हाट्सएप, बड़े खुश हुए, योगी जी ने कहा अपने बेटे को बेटा मैंने व्हाट्सएप लगा लिया है तू मुझे एक जोक भेज, तो उनका बेटा वापस भेजता है कि पापा मैं पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं अच्छा है दूसरा भेज। चलिए बहुत आप लोग यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और बस दो बातें कहूंगी, दो जो मैंने सीखा है अपनी इसी उम्र में सीखा है, ना खोटा ना कोई खरा ही रहेगा, हम सब यहाँ हैं कल का कोई पता नहीं, ना खोटा ना कोई खरा ही रहेगा, ना सूखा ना कोई हरा ही रहेगा, ना कुछ ला सका ना तू ले जा सकेगा, धरा का धरा पर धरा ही रहेगा, धरा का धरा पर धरा ही रहेगा। और एक दुआ करती हूँ फिर नमस्कार करूंगी, आँख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, आँख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, आस किसी की हालातों की मारी ना हो, दुआ हमारी मौला तुमसे बस इतनी है, दुश्मन के घर भी कोई बीमारी ना हो, दुश्मन के घर भी बीमारी ना हो, किसी के साथ मुझे रहेगा इंतजार आपका धूम मचाले में, और आज रात को 8 बजे धूम मचाले जिंदगी जरूर सुनिएगा, ढेर सारा प्यार आपको, प्रणाम नमस्कार आदियोस, और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। एक एक करके, जस्ट अ मिनट, एवरीबॉडी इज सेइंग एट द सेम टाइम, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई मीडिएट, किसने पहले कहा था कि अर्चना से बात करना चाहते हैं जी, मैंने, मुझे यास्मीन जी आप बोलिए, मुझे एक सेकंड दे दे प्लीज।
कल अर्चना जी हमारे प्रोग्राम में आने वाली हैं, तो हम सबको बताना चाह रहे हैं कि कल हमारे ईद के प्रोग्राम में अर्चना जी आएंगी। ओके थैंक यू। गीता जी आप बोलिए अब नेक्स्ट। मैं वो रेडियो का जो प्रोग्राम है आज उसका क्या 1170 AM पे 1170 रेडियो जिंदगी आप गूगल पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। बटन उसको बना दीजिए अपने फोन पे ही बटन बना दीजिए आप सुन सकते हैं। और किसका क्वेश्चन था अर्चना जी से? मैं पायलट बन गया हूँ फिर वीना जी, देखा आपने कैसे मैंने कंट्रोल कर लिया। तो अब मैं भी एक लाइन वाला जोक सुनाना चाहता हूँ। तो ये आदमी कहता है I have been in love with this same woman for 49 years. और फिर कहता है If my wife finds out, she'll kill me. ये आप इतना नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, रिकॉर्ड क्या है, कितने घंटे तक लगातार बोल सकते हैं आप? वो कह रहे हैं अर्चना जी आप इनको लेसन दीजिए योगेंद्र जी को कैसे फास्ट फास्ट बोलना होता है, ये बड़ा सोच के बोलते हैं जरा। योगी जी पता है क्या होता है कि ना अगर सॉरी कोई कुछ कहना चाहते हैं हमें आपके किसी कुत्ते ने बोला था बीच में। मैं बताऊं कि जीवन में जो भी हो आज का दिन बहुत जरूरी है, ना बीता कल ना आने वाला दिन कुछ हो सकता है इम्पोर्टेंट, जो हो सकता है लिव लव लाइफ टुडे, दिस इज ये लम्हा ये घड़ी बहुत जरूरी है। और मैंने रिसेंटली मैंने आई लॉस्ट माय डैड एंड आई हैव सीन कि जितना भी आपका बैंक बैलेंस नंबर बड़ा हो लेकिन अगर आप में खुशी ना हो, वो कहते हैं ना कि कहने खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है लेकिन दिल, लेकिन हमको खुद समझाया जा सकता है, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, सारी उम्र कमाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। मनोरमा जी का हाथ उठा हुआ है, पीला सा हाथ है मनोरमा जी का, वो उठा हुआ है, कुछ पूछना चाहती हूँ जी। अर्चना जी पिछले हफ्ते मैंने आपका ट्यूसडे का प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्लीज गाइड मी। श्योर। थर्सडे को गोविंद जी एक फॉर्म भेजते हैं गूगल फॉर्म, उस पे थीम लिखा होता है, जैसे कि हमारे अगले 5 डिसाइड हो चुके हैं, मुकेश स्पेशल, मोहम्मद रफी स्पेशल, पंचम दास स्पेशल, फिर हमारा होगा फादर्स डे स्पेशल। तो अगर आप जुड़ना चाहें ऐसे करेंगे जी? अर्चना जी इनको अपने उस पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इनको, या अभी बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपका नंबर ले लूंगा मनोरमा जी योगेंद्र जी से, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे कि क्या हो रहा है। वी हैव अ वेरी पावरफुल होमली व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बड़ा प्यार है आनंद है, तो अगर आप भी उसमें बहना चाहते हैं डूबना चाहते हैं तो डू जॉइन अस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अर्चना जी एक बात मैं और कहना चाह रही थी, अभी आपने कहा आपके घर में अच्छी अच्छी बहुरानियां आए, तो हमारे घर में तो आ गई, अब आपके लिए आशीर्वाद है कि आपके घर में अच्छी। या, इनके भी दो बेटे हैं, इनके भी दो बेटे हैं, दैट्स राइट। मेरा मानना है कि ना हमारा ये लास्ट जनरेशन है जहां हम बड़ों की भी सुनेंगे और छोटों की भी सुनेंगे, लेकिन हम सुनने को तैयार हैं क्योंकि हम में वो क्षमता है। दिस इज द लास्ट बैच दैट विल लिसन टू बोथ साइड्स, एल्डर वन एज वेल एज जूनियर्स, लेकिन ईश्वर जिम्मेदारी भी जिम्मेदारों लोगों को ही देता है, तो हम ये कर सकते हैं, वी कैन लिसन टू आवर बहूज ऑल्सो, तो इतनी हम को सिखाएं तो पिटाई करेंगे बहुओं की, क्या सुनना नहीं है कुछ। मनोरमा जी अपना फोन नंबर चैट में डाल दीजिए, विजय जी आप भी डाल सकते हैं अगर आप विजय जी क्वेश्चन आ रहा है, विजय जी भी पूछना चाहते हैं कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। ये शोंदू जी का हमारे छोटा भाई दिनेश भाई, उनसे उनकी तरफ से हम आपका बहुत सुन के दिल खुश हुआ शोंदू का, तो आप हमारे इसमें पास में इसको एक अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। I want that check book here. मुझे उस पे चेक लिखना है। That is classic. अर्चना मेरे नाम को खराब कर दिया आपने, बाजा बना दिया आपने। अर्चना शकुंतला जी बोलिए। हाँ जी पता नहीं तुमसे कब मिली थी लेकिन तुमने जिंदगी में इतना आनंद बरसा दिया कि मजा आ गया, मैं चुप नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारा सुनने के बाद, इसलिए जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, आगे बढ़ती रहो और तुम्हारी कीर्ति जो है ऐसे ही सब दिशाओं में फैलती जाए।
बहुत आशीर्वाद आपका फलता है हमको शकुंतला जी, आपको हम ऑलमोस्ट लाइक 18-20 इयर्स पहले से जानते हैं, तो वो जो आपने हमेशा, शी हैज ऑलवेज हेल्प मी, जब मेरी दो किताबें आई थी तो रात रात भर बैठ के उन्होंने मुझे गाइड किया बिफोर पब्लिशिंग इट, तो मैं कभी वो भूल नहीं सकती। और आप में जो इतना स्वामित्व अस्तित्व, आप, शी वॉज द टीचर हु वेंट टू जर्मनी टू टीच संस्कृत देयर, मैन आई नो कि उनका इतना वजूद है, उनका नाम है, रुतबा है, फिर भी इतनी डाउन टू अर्थ है, तो हमें बहुत गर्व है कि वी ऑल हैव ग्रेट रोल मॉडल्स फॉर अस, हमारे सामने जो इतना आपने बार सेट किया हम वहां तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत अरे बहुत, इतनी इज्जत मत दो, मैं कल तुम्हारी अपराजिता पढ़ रही थी तो तुमने यही बातें उसमें लिखी हुई किसी दफा पूरी इसकी रचना की पूरी लाइफ स्टोरी सुनाएंगे, इसको बुलाएंगे, और इट सीम्स लाइक लेयर के बाद लेयर आती जा रही, किताबें भी लिखी हैं, गाने भी गाती है, कविताएं भी गाती है, जोक्स भी सुनाती है, प्रोग्राम भी रन करती है। सो कंट्रोल बैक टू योगेंद्र जी। रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।